राधा वल्लभ लाल का दर्शन कैसे करना है श्री ध्रुवदास जी सिखाते हैं। वो हित के नयन क्या है, कैसा रूप दिखाते हैं, सुरंग मांग मोतिन सहित शीश फूल सुख मोर मोर चंद्रिका। एक प्रिया जी का भालचंद्र है और एक श्री लाल जी का भालचंद्र है। श्री प्रिया जी के उस अत्यंत गौर वर्ण भालचंद्र पर श्याम बेंदी बनी है, मृगमद की, कस्तूरी की। श्याम लाल बेंदी बनी शोभा बड़ी अपार, प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग सिंगार। और इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर के भालचंद्र पर लाल रौरी की बिंदी बनी है। और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग सिंगार। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि दर्शन ऐसा हो रहा है कि जैसे चंद्रमा पर जो श्याम वर्ण है वो श्रृंगार रस का वर्ण है, श्री प्रियाजू के मस्तक पर मानो, श्री प्रियाजू के उस मस्तक रूपी चंद्रमा पर मानो स्वयं श्रृंगार रस मूर्तिमान होकर बैठा है। और श्री लालजू के उस नील वर्ण, उस इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर के उस भाल चंद्र पर मानो स्वयं अनुराग मूर्तिमान होकर, प्रेम मूर्तिमान होकर बैठा है। प्रगट विराजत ससीन पर मनो अनुराग। कुंडल कल ताटंक चल रहे अधिक झलका, मनो छवि के शशि भानुजुग छवि कमलन। कुंडल कल ताटंक चल रहे अधिक झलकाए। और सखियों ने कानों में जो दिव्य रत्न जटित कुंडल धारण कराए हैं, वो जब ग्रीवा की ढुरन होती है, परस्पर प्रियालाल एक दूसरे से किंचित वार्ता करते हैं, किंचित वो जो मुख चंद्र की गति होती है और वो कानों में पड़े कुंडल हिलते हैं और अधिक और अधिक और अधिक झलकते हैं। कुंडल कल ताटंक चल, चल का अर्थात गतिमान है, हिलते डुलते कुंडल हैं वो रत्न जटित दिव्य आभरण। रहे अधिक झलकाए मनो छवि के शशि भानुजुग, अधिक झलकाए अर्थात जब रखे थे तो भी उनकी आभा प्रभा अद्भुत थी, पर जब श्री प्रिया प्रीतम ने धारण कर लिए तब तो उनकी उस छवि का क्या कहना। कितने प्रसन्न है वो कुंडल जो श्री प्रिया जू के, जो श्री लाल जू के करणों के आभूषण बने हैं, जो श्रृंगार रस मूर्ति का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का क्या कहना। और श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मनो छवि के शशि भानुजुग, कि मानो छवि के ही सूर्य चंद्रमा छवि कमलन मिलिया है। और जो प्रिया लाल के कपोल कमल हैं, मैं कई बार विचार करता हूं कि ये सच में इस धराधाम का सौभाग्य है कि यहां ध्रुवदास जी जैसा रसिक संत आविर्भूत हुआ। आज तक सब कहते आए अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कोई नहीं कह सकता प्रेम के विषय में, कोई नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। पर मैं कहता हूं ध्रुवदास जी ने श्री प्रियाजू के चरणों की कृपा का बल पाकर प्रेम के विषय में बहुत कुछ कहा है, लगभग लगभग सब कुछ कह दिया है। प्रेम से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका वर्णन, जिसका संकेत, जिसका चित्रण ध्रुवदास जी अपनी 42 लीला में न करते। मनो छवि के शशि भानुजुग छवि कमलन मिलिया है, वो जो कुंडल है वो कैसे है, मानो शशि के छवि के सूर्य चंद्रमा।
और जैसे सूर्य चंद्रमा आकर मिल गए हो किससे, छवि के कमल से। और वो छवि के कमल क्या है, प्रियालाल के कपोल कमल। वो जो कुंडल की लटकन है, वो जब स्पर्श करती है कपोल का, तो ध्रुवदास जी कह रहे मानो सूर्य और चंद्रमा आकर छवि के कमलों से मिलते हो। नासा बेसर नथ बनी सोहत चंचल देखत भांति सुहावने मोहे कोटिक। और नासिका में बेसर, ध्रुवदास जी कहीं लिखते हैं थोड़े थोड़े बेसर के मोती थर हरे। कहीं पढ़ा था मैंने, काशी के कोई बड़े विद्वान संत आए थे वृंदावन दर्शन करने, यही समय था, मंदिर में 42 लीला की समाज हो रही थी, बृहद भक्तमाल छपा उसमें अंकित है ये। श्री जी के मंदिर में बसंत की समाज हो रही थी, काशी के बड़े विद्वान ज्ञानी महापुरुष आए। किसी ने कहा भाई वृंदावन आए हो तो श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करना ही चाहिए। राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे थे, उधर समाज हो रही थी, और समाज में शायद श्रृंगार शत की तृतीय श्रृंखला का गान हो रहा था। और पद का भाव यह था, क्योंकि विद्वान व्यक्ति थे, ध्यान से सुना, पद का मर्म क्या था कि जो सहचरियों ने आज श्री प्रियाजू को बेसर धारण कराया है, वो जो श्री प्रियाजू के श्वास की गति है उससे थोड़ा थोड़ा बेसर का मोती हिलता है, और चंचल शिरोमणि लाल का मन और अधिक चंचल हो जाता है। अब खबर नहीं, खबर नहीं प्रिया प्रीतम ने उनको क्या दिखाया, खबर नहीं राधा वल्लभ लाल की क्या कृपा दृष्टि हुई, क्या रस वृष्टि हुई उन पर इस एक पंक्ति को सुनते 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 नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, और उसके बाद कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। राधा वल्लभ लाल का दर्शन ही उनका जीवन बन गया। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा बाप खाली मन लेकर आ जाइए और बस देखिए, कुछ ना करिए, बस देखिए। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, इनके जैसा प्रेम का संबंध निभाना किसी को नहीं आता, कोई नहीं निभा सकता। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रंगीलो ही जाने। तो नासा बेसर नथ बनी, श्री लाल जू की बेसर, और आज प्रिया जू को सहचरियों ने नथ धारण कराई है, और मुखार बिंद पर बेसर और नथ की शोभा का वर्णन करते करते श्री ध्रुवदास जी दर्शन करते हैं प्रिया प्रीतम के नेत्रों का। नासा बेसर नथ बनी और सोहत चंचल नैन और देखत भांति सुहावने मोहे कोटिक मैन। और जो चितवन है वो दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे, वो जो चितवन है वो उर अंतर के ताप का नाश करने वाली है, वो हृदय कमल को खिला देने वाली है, वो जो प्रिया प्रीतम की चितवन है। अच्छा कभी कभी होता है कि आंख तो देखने में सुंदर होती है लेकिन व्यक्ति को सुंदर देखना नहीं आता। आंख का सुंदर होना एक बात है, सुंदर देखना दूसरी बात है। समझिएगा, आंख का सुंदर होना एक बात है, वो अंग की सुंदरता है, तन की सुंदरता है, लेकिन सुंदर वस्तु को देखना ये दूसरी बात है, सुंदर रीति से देखना दूसरी बात है। क्षमा करना, कुछ लोगों को देखना भी नहीं आता, कुछ लोगों की दृष्टि सम्मान करती है, और कुछ लोग तो दृष्टि से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं।
कुछ लोगों की दृष्टि सम्मान करती है और कुछ लोग दृष्टि से प्रवेश कर जाते हैं हृदय तक, और कुछ लोग दृष्टि से प्रहार भी करते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो कुछ लोगों की तो नजर लग जाती है, उनकी नजर ही लग जाती है, नजर ही ऐसी है, नकारात्मकता लिए होती है। इसलिए मैंने कहा कोई कोई दृष्टि से आपके हृदय में प्रवेश पा जाता है, वो कोई दृष्टि से प्रहार कर देता है। दृष्टि से भी प्रहार होता है भाई, दृष्टि से भी प्रहार होता है, लेकिन प्रिया प्रीतम कैसे देखते हैं, देखत भांति सुहावने मोहे को टिक, वो ऐसा देखते हैं कि जिसे देखते हैं सोई रूपवंत है जाई। गुरुदास जी कहते हैं हमारी प्रिया जी जिसे देखती हैं, जो वा को देखे है जाई सोई रूपवंत है जाई, और श्री जी जिसे देख लें नजर भर वो देखे और मुस्कुरा। मैं तो कहता हूं बस इतनी सी आशा लेकर जाइए। अभी आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अभी जब खिचड़ी उत्सव हो रहा था तो मैं तो बहुत बार नहीं जा पाया, और फिर जब झांकी होती थी तो बहुत भीड़ हो जाती थी, तो आखिरी दिन था खिचड़ी का, और मेरे पास एक प्रसाद की वस्तु आई, प्रसाद आया, क्या था, पीले रंग की गेंद। उस गेंद पर क्या बना था, दो काले बिंदु, और नीचे एक स्माइल होता है ना, उस पीले रंग की गेंद पर दो काले बिंदु और पीले रंग की गेंद थी। आखिरी दिन था खिचड़ी का, प्रसाद आया मेरे पास, किसी ने कहा कि जय जय आपके लिए ये गेंद आई है, आज आज लूट मची थी मंदिर में, आज लुटा रहे थे तो आज गेंद मिली आपके लिए, गेंद आई है। मैंने कहा गेंद नहीं है, बोले क्या है, मैंने कहा इस पर क्या है, दो आंखें हैं एक मुस्कान है, मैंने कहा गेंद नहीं है, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा। मैंने कहा गेंद नहीं है भाई, ये प्रेम का प्रसाद है, एक्सप्रेशन ऑफ लव, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा। हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। देखो वो प्रेम की बात कहते भी ऐसे ही हैं, प्रेम की बात समझी जाती है, कही नहीं जाती, समझी जाती है, और यही प्रेम की महिमा है कि बिना कहे समझी जाती है। प्रेम के मौन में इतना सुंदर संगीत है, थोड़ा सा मन शांत हो तो आप सुन पाए, पर कही नहीं जाती बाप, कभी नहीं कही जाती, पर प्रेम की कृपा से समझी जाती है। तो जब वो देखते हैं कृपा करके, फिर कुछ अन्य रहता नहीं, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें। मैं तो कहता हूं जब जाइए बस इसी एक आशा में जाइए, इसी प्रतीक्षा में रहिए, ये प्रतीक्षा आपके जीवन को उत्सव बना देगी, इस प्रतीक्षा में रहिए। कौन भाग्य पद पंकज देखूं, कौन भाग पद पंकज, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मानो, कब
कब कब नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें, हम के लिए जिंदगानी लुटा दे। एक एक बार शोर कम करिए अपने जीवन से, शोर कम करिए। मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, स्वामी श्री राम सुखदास जी की पुस्तक में कहीं लिखा था, वो कहते थे चुप भी एक साधन है, चुप भी एक साधन है। क्या कहना, किससे कहना और क्यों कहना। कबीर साहब कह रहे, अरे जो तेरे मन में सांच है तो कह कह ना बताव, अरे बोल बोल के बता मत, जो तेरे मन में सांच है तो कह कह ना जनाव, अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। ये चुप का साधन है, ये मौन का साधन है। और मैं तो कहता हूं प्रेम के देश में, अरे ध्रुवदास जी तो कहते स्नेह में गोष्ठी कहा, प्रेम के देश में बात हो ही क्यों, और बात निकुंज देश की हो, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, सखी हो ही न जी पग सो, श्वास संभल के बोलिए, सखी डोलिए नैन की को। ये महल की टहल है, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी। ऐसे मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोगों को देखना नहीं आता, कुछ को चलना भी नहीं आता। मैं ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट का आप चिंतन करते हैं, आप सेवन कर रहे हैं, उसका सेवक होने की गरिमा हो आपके जीवन में, गौरव। आप कभी राधा सुधा निधि का दर्शन करिए, बात कैसे महाप्रभु अपने इष्ट आराध्य का गौरव प्रतिष्ठित करते हैं, कैसी हैं महाप्रभु की आराध्या राधा, वो राधा कैसी हैं, कैसा है उनका स्वरूप। तो जो एक साधक का जो व्यक्तित्व हो वो भी गरिमामय हो, आपके स्वरूप को देखकर खबर पड़े। अभी कुछ दिन पहले जब मैं पंचामृत की चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि आपका जीवन ऐसा हो, कोई आपको देखकर पूछे आपका गुरु कौन है। हमारे यहां जो लोग शास्त्रीय संगीत की साधना करते हैं, संगीत की साधना जो भी कोई करता है तो बहुत सुंदर गाए, बहुत सुंदर बजाए, तो उसकी प्रशंसा बाद में होती है, पहले उससे पूछा जाता है किससे सीखा है, गुरु कौन है। ऐसे आपके जीवन को देखकर, आपके आचरण को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर आपसे कोई पूछे आपका गुरु कौन है, किसके शरणागत हैं आप, अरे आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं जिसके लिए मेरे महाप्रभु कह रहे हैं कि यद वृंदावन मात्र गोचर बहु यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढुम क्षमते न यद शिव शुकादी नाम तो यद ध्यानगम आगम निगम, जिसका पता नहीं जानते, महाविष्णु का मन जिस ओर नहीं जाता, जो ब्रह्मा शंकर आदि से भी छुपा कर दुरा कर रखा गया है। व्यास जी कहते हैं अरे व्यास दास की कुमारी को कोहे सकत निहार। आपके चाल में ढाल में, आपकी बोलन में वैसी गरिमा हो, कैसी है प्रियाजू की सहचरियां, इसी का तो चिंतन करना है आपको, इसी को तो आपका मेरा जीवन निर्माण कहेंगे हम। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण बसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। कभी किसी सेवा पर रीझ कर प्रिया जी प्रसन्न होकर अपना प्रसादी दुकूल, अपनी प्रसादी माला, अपना प्रसादी कंकण सहचरी को धारण करा देती हैं, कैसी होती होगी वो सहचरी की सेवा, क्या किया होगा उसने ऐसा कि रीझ गई होंगी स्वामिनी,
उसको निकट बुलाया होगा, अपने पास बैठाकर अपने हाथ से अपना कंकण उतारकर उसके कर में पहना दिया होगा, अपना दुकूल उसको ओढ़ा दिया होगा। आखिर कैसी सेवा की होगी उसने, एक से एक सहचरी है, रूप रस भाव में भरी, प्रेम में पगी। आज इस सहचरी ने ऐसी कौन सी सेवा की होगी, कभी विचार करिए। आप और मैं इसी भाव के साधक हैं। और मैं फिर कहूंगा और आपको सदा कहता रहूंगा, जहां जाने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वहां बाहर से कोई रास्ता नहीं जाता, वहां बाहर कोई रास्ता नहीं, आपको भीतर ही उतरना है। और वही भीतर उतरने का मार्ग संत दे रहे हैं, इसीलिए ध्रुवदास जी इस लीला का नाम देते हैं जुगल ध्यान लीला। कैसे ध्याना है उन्हें, अपने इष्ट आराध्य को ध्याना कैसे है। खैर, हम तो प्रिया प्रीतम की चितवन की बात कर रहे थे। देखत भांति सुहावने मोहे कोटिक सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश मुसिकन बरसत फूल सुख कह न सकत छवि ले। अरे कौन बात कहूं, इस संपूर्ण स्वरूप के ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कहीं एक स्थान पर मन अटक जाएगा किसी दिन। सुंदर चिबुक, ऐसा सुंदर चिबुक जिसको लालजी सदा अपने अत्यंत सुकुमार कर कमल से सहलाते हैं, दुलारते हैं। और कपोल मृदु, वो अत्यंत सुकुमारता को लिए कपोल, जैसे अभी अभी खिला कमल हो, उसकी उसकी पंखुड़ी नवीन खिला हुआ, कोई कोई पद्म उसकी पंखुड़ी देखिए, उस पर जल की बूंद भी आप डालें तो ऐसा लगता है कि कमल को बोझ लगता होगा। उस अंबुज के पात पर जल का बिंदु भी पड़े तो लगता है कि जैसे इसे 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 भारी प्रतीत होगा होता होगा। ऐसी सुकुमारता कपोल कमल की, सुंदर चिबु को कपोल मृदु और अधर सुरंग सुदेश मुसिकन बरसत फूल सुख कह ना सकत छवीले। और ध्रुवदास जी कहते हैं जो मुस्कान है उससे फूल बरसते हैं, लेकिन वो फूल कैसे हैं, किसके फूल हैं, गुलाब के हैं, चंपा के हैं, चमेली के हैं, किसके फूल बरसते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं नहीं, बस सुख के फूल बरसते हैं। प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं तो बस सुख के फूल बरसते हैं, सुख के फूल बरसते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आनंद आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैंने पूछ लिया, आपने बता दिया, ताली भी बजा दी। लेकिन बाप इतने से बात नहीं बनती। अभी तो क्या है, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और वो कविता मुझे फिर से याद आ गई, किसी ने कहा है सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं और रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है चांद तकता रहता है उन्हें, सुना है चांद तकता रहता है उन्हें और सितारे भी नजर भर के देखते हैं, सुना है बंदगी करती हैं अदाएं उनकी, नाज नखरे उन्हें आह भर के देखते हैं और सुना है उनके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उनके बदन की तराश ऐसी है
कि फरिश्ते भी उन्हें बन संवर के देखते हैं और फिर कहता है सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है, सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो ध्रुव दास जी ने मुझे सुनाया, मैंने आपको सुनाया, पर अभी तो आपने सुना है क्या, मुस्कान बरसत फूल सुख कहना सकत छविले। अब कुछ हो जाए ऐसा, अब कुछ हो जाए ऐसा आपसे कि नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें, फिर देखो वो सुख का फूल कैसा होता है। सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, और भाई हमने तो सुना भी किससे है, ध्रुवदास जी से सुना है, तो असत्य तो नहीं होगा, पर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मुस्कान बरसत फूल सुख कहना सकत छविले। तो प्रियालाल की जो मुस्कान है उससे सुख के फूल बरसते हैं। ये जीव सुख पाता है जिसके लिए, जिसे पाने के लिए ये जन्म जन्म से भूल रहा है, भटक रहा है, बिखर रहा है, वही सुख पाता है जब प्रभु मुस्कुराते हैं देखकर जीव की ओर। तो आपका मेरा प्रयास यही हो कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विव्वला पादौ तत्पद कांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतुम हृदयम तस्याः पदम ध्यायता तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रतिः। नंगन भूषण झलक रहे अरुंजन रंग पान नव सत सरवर ते मनो निक से कर असना। श्री अंगों पर भूषण झिलमिला रहे हैं, नेत्रों में अंजन और अधरों पे पान की लाली जिससे 16 श्रृंगार पूर्ण होते हैं। अरु अंजन रंग पान और छवि कैसी है, नवसत सरोवर ते मनो निक से कर असनान, मानो श्रृंगार रस के सरोवर से ही दोनों श्रृंगार कर, स्नान करके निकले हों। नवसत सरोवर ते मनो, जैसे अभी अभी जब एकदम से स्नान करके सरोवर से निकलो तो भीगा होता है ना तन, ऐसे ही श्रृंगार रस से स्नान करके प्रियालाल निकले हैं, एक एक अंग भीगा है श्रृंगार रस की माधुरी में। आज भाई लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, हमारे पुजारी जी महाराज आज आए नहीं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा आप जाएंगे कुंभ का स्नान करने, तो आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर कहने लगे कि हमको जो रस चाहिए वो कुंभों में नहीं कुंजों में मिलता है। मैंने कहा वाह बलिहारी है आपकी, रसिकों से सीखा जाता है भाई। बोले हमको जो रस चाहिए वो कुंभों में नहीं कुंजों में मिलता है। तो आज कुंभ का स्नान हो रहा है यहां पर, तो मुझे लगा भाई हमारे पास भी एक रस का कुंभ है। ये जो ध्रुवदास जी की वाणी है, रसिकों की वाणी है, ये रस से भरे कुंभ ही तो हैं, तो क्यों ना आप और मैं आज इसी कुंभ की धारा में स्नान कर ले। तो श्री प्रियालाल निकले हैं श्रृंगार रस सरोवर से स्नान करके, एक एक अंग भिगाए उसी श्रृंगार रस की धारा में। नवसत सरोवर ते मनो निक से कर, कह ना सकत
अंगन प्रभा कुंज भवन रयो छाए मानो बागे रूप के पहरे दुहुन बना। कह ना सकत अंगन प्रभा कुंज भवन रहो छाई। रूपदास जी के ने क्या उन श्री अंगों की आभा प्रभा का मैं वर्णन करूं जो छा रही है कुंज भवन में, मानो बागे रूप के। जैसे मुस्कान होती है तो फूल बरसते हैं सुख के, जिस सरोवर में स्नान किया है वो सरोवर में जल कौन सा है, श्रृंगार रस ही मानो जल बन के भरा है उसमें। और बागे भी दोनों ने कैसे पहने, वस्त्र कैसे धारण किए हैं, रूप के, मानो रूप ही वस्त्र बनकर श्री प्रियालाल के श्री अंगों पर सुशोभित हो रहा है। और एक और बात रूपदास जी कह रहे हैं, मानो बागे रूप के पहरे दुहुन बनाई। खबर बड़ी, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, पहरे दुहुन बनाई माने बड़ी सुंदर रीति से वस्त्र धारण किए हैं। जैसे मैं कह रहा था ना, कभी कभी देखना नहीं आता, चलना नहीं आता, ऐसे कभी कभी ओढ़ना पहनना भी नहीं आता, ऐसा होता है। पर प्रियालाल ने कैसे वस्त्र धारण किए, पहरे दुहुन बनाई, बड़ी सुंदर रीति से श्रृंगार किया है दोनों का सहचरियों ने, जो एक से एक प्रवीण, एक से एक निपुणा, एक से एक कुशला। और उसका कारण क्या है, क्योंकि अपनी एक एक सहचरी को सेवा की शिक्षा दीक्षा स्वयं स्वामिनी देती हैं। स्वयं च सकला कलास कुशली कृता नकदाह, महाप्रभु कहते हैं स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। एक एक सहचरी को सेवा की शिक्षा दीक्षा स्वयं स्वामिनी देती हैं, बड़े लाड़ से बड़े दुलार से। इसीलिए मैंने आरंभ में आपको कहा कि यहां का साधन साधन जैसा नहीं है बाब, यहां का साधन तो सुख है। जिस सहचरी को सेवा की शिक्षा दीक्षा काल में प्रिया जी सिखाती होंगी सेवा करना, उसके हृदय का सुख का क्या कहना। जिस पर स्वयं स्वामिनी कृपाल होकर उसे प्रवीण करती है, निपुण करती है, अरे वृंदावन के शुकपिक मयूर सबकी गुरु प्रिया जी हैं। पिए को नचवन सिखवत प्यारी लाल व्यास जी तो कहते ही हैं, पर प्रिया जो सबकी गुरु हैं, सहचरियों को शिक्षा दीक्षा प्रिया जी से मिली है, सहचरियों को शिक्षा दीक्षा प्रिया जी से मिली है, शुकपिक ने वो सुंदर कलगान करना प्रिया जी से सीखा है, वहां जो संगीत का रस है उसकी उसकी निधि उसकी मूल श्री स्वामिनी जी हैं। और वो जो सबकी गुरु स्वरूपा श्री राधा हैं, उनको गुरु रूप में इस संसार में प्रतिष्ठित श्री हितहरिवंश चंद्र महाप्रभु ने किया है। प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, वो वृंदावन का रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। सबकी गुरु प्रिया जी हैं,